में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने आयोजन किया है इसका। तो देहरादून में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की तरफ से स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सीएम धामी ने शिरकत की है और सीएम के साथ में मंत्री धन सिंह रावत और गणेश जोशी भी इसमें शामिल हुए। सेमिनार में उत्तराखंड की जनता को किस तरह से कृषि के क्षेत्र में मदद और प्रोत्साहित किया जाए इस विषय पर मंथन हो रहा है। तो सीएम धामी की नाबार्ड अधिकारियों को नसीहत, प्रगति रिपोर्ट अच्छी न होने पर नाराजगी जताई। एसीएस आनंद वर्धन को कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए। नाबार्ड ने 30,000 करोड़ की ऋण योजना को तैयार किया है और विकास के लिए वरदान साबित होगी ये ऋण योजना, सीएम धामी की तरफ से कहा गया। कृषि, उद्यान, बागवानी के क्षेत्र में किसान ऋण ले सकते हैं और ऋण व्यवस्था में निगरानी और दूरदर्शिता होना भी जरूरी है। अब जिन जिन में भी जहां जहां भी इस प्रकार की व्यवस्था है, जहां पर कमी है, मैं समझता हूं कि वहां पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तेजी से अपना उपयोगिता सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उपयोगिता का जो है प्रमाण पत्र दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए बैंकों को भी कहीं ना कहीं मिशन मोड में काम करना होगा। कई बार इतनी सारी औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं के कारण से हम लोगों को जो लोग ऋण लेने के लिए आते हैं उनको बहुत भटकना पड़ता है। और यह भी कहीं ना कहीं जरूरतमंद लोगों के लिए जो उसकी औपचारिकताएं हैं वो थोड़ा सरल हो जाए। सरकार की तरफ से कोशिश करी है, एक प्रयास किया है कि हम सरलीकरण को लेकर जाएं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन मंत्रों के आधार पर हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो बैंकों से भी हम इस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि बैंक भी मिशन मोड में आकर इन कामों को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। नाबार्ड की जो ऋण योजना है इसके लिए आवंटन का प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के सामने काम करना होगा और उस पर अगर काम करेंगे कि भाई एक हमने टारगेट सेट कर लिया है तो कहीं ना कहीं इससे हम और अधिक लोगों को लाभ दे पाएंगे। और संवाददाता सुरेंद्र डसीरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, देहरादून में स्टेट क्रेडिट